हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल के मॉड्यूल 2 में स्टडी स्टेट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट। जैसे कि एसी वोल्टेज को देखेंगे, एसी करंट क्या होता है, साइकिल क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबको हम लाइन वाइज लाइन करके पढ़ेंगे, ठीक है, स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एसी वोल्टेज क्या होता है। हेडिंग डालिएगा एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज एसी वोल्टेज एसी वोल्टेज क्या होता है? अ वोल्टेज चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड पोलरिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अक्रॉस द एलिमेंट द सर्किट्स। जब हम वोल्टेज एंड उसके मैग्नीट्यूड के पोलरिटी को हम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलता है V=Vm sin ωt। तो डिफिनेशन लिखिएगा, वोल्टेज चेंज इन मैग्नीट्यूड विथ रिस्पेक्ट मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अक्रॉस द सर्किट सर्किट ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे आता है वैल्यू। साइनोसाइडल ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो होता क्या है, ए बी भी ले लेंगे और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो होता क्या है, देखिएगा ध्यान से, हर एक इंस्टेंट पे वी की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। जैसे T1, T2, T3, V1, V2, V3, ठीक है। ये क्या है, साइनोसाइडल वेव फॉर्म है, वेव फॉर्म। यहां से एक इक्वेशन बन के आता है, Vm V = Vm sin ωt, ठीक है, Vm sin ωt। ये पॉजिटिव साइकिल है, याद रखिएगा, पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली एसी करंट को भी देखते हैं, एसी करंट में क्या होता है, जब हम करंट को चेंज करते हैं उसके मैग्नीट्यूड एंड
के डायरेक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जब करंट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन को चेंज करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एक इक्वेशन बन के आता है आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो हेडिंग लिखिएगा अ करेंट चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ठीक है, थ्रू द सर्किट कॉल्ड एसी करेंट। आया समझ में? इसके वेब फॉर्म को भी देख लेते हैं, इसमें भी क्या होता है। ऐसे वेब चलता है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसे बनता है, देखिएगा सिमिलरली वोल्टेज की जैसे बनेगा सिमिलरली पॉजिटिव साइकिल, ये नेगेटिव है, ठीक है। इसमें क्या होता है I1, I2, I3 ठीक है। तो इसमें भी ये क्या है, वेव फॉर्म है, ध्यान रखिएगा वेव फॉर्म। इसमें भी एक इक्वेशन बन के आता है I = Im sin ओमेगा टी ठीक है। आया समझ में? तो यहां पे देखेंगे ये वी क्या है, देखिए यहां पे वी क्या है, ये जो वी है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज। बीएम क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज, दिस ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी टाइम टेकिंग। आया समझ में? एसी एंड एसी वोल्टेज एंड एसी करंट क्या होता है, ठीक है। तो आइए देखेंगे साइकिल टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के बारे में, ठीक है। ये देखते हैं, हेडिंग डालिएगा साइकिल, साइकिल साइकिल तो देखते हैं वन साइकिल क्या होता है। वन कंप्लीट अल्टरनेशन या रिपीटेशन ऑफ सेट ऑफ वैल्यू ऑफ करेंट कॉल साइकिल। हेडिंग लिखिएगा वन कंप्लीट अल्टरनेशन या रिपीटेशन ऑफ सेट ऑफ वैल्यू ऑफ करेंट कॉल्ड साइकिल।
आया समझ में? साइकिल क्या होता है? देखिए ऐसे, ये तो साइकिल है, एक क्या हुआ वन साइकिल, ठीक है, एक क्या हुआ वन साइकिल, ठीक है, वन साइकिल हुआ, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। एक साइकिल कंप्लीट करने में 30 सेकेंड लगते हैं, ठीक है, ये टी क्या है, 2 पाई, सॉरी सॉरी 2 पाई नहीं रहेगा, ठीक है, आया समझ में? तो हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, देख लेते हैं टाइम पीरियड को। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल कॉल्ड टाइम पीरियड। वन साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है वही टाइम पीरियड कहलाता है। जैसे कि देखो पॉजिटिव टू, वन साइकिल यहां से कंप्लीट हो रहा है ना, देखो यहां से ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे आ रहे हैं, ऐसे समझ में? देखो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं ना, तो वन साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम पीरियड लग रहा है, टी, तो यही टाइम पीरियड कहलाता है। तो लिखिएगा टाइम रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंप्लीट वन साइकिल पर टाइम पीरियड इट इज डोनेटेड बाय टी सेकेंड, ठीक है, एडी डालेगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकेंड सेकेंड कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डोनेटेड है। तो ये रिलेशन देखते हैं, टाइम पीरियड हेडिंग डालिएगा रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी, ठीक है, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो आइए देखते हैं क्या रिलेशन होता है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के में। तो टी इक्वल टू 1/f, ध्यान से देखिएगा, टी इक्वल टू 1/f, ठीक है, ये रिलेशन है, ये क्या है फ्रीक्वेंसी, ठीक है,
हेडिंग डालिएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है ध्यान से देखिएगा आप लोग। वन साइकिल टाइम टी के वैल्यू देखेंगे इसकी, ठीक है, निकालेंगे यहां से 2 पाई निगेटिव, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, वेयर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। जब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, जब टी इज इक्वल टू 1/f होता है ओमेगा की वैल्यू आएगी 2π f। आया समझ में, ये हुआ, इसे कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। रिलेशन को याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग आज क्या देखें, एसी वोल्टेज के बारे में देखें, एसी करंट को देखें, स्टडी किए साइकिल टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को स्टडी किए हैं हम लोग। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।